आज बनाएंगे हम तंदूरी कॉफ़ी या फिर आप इसे स्मोकी कॉफ़ी भी कह सकते हैं। इसी के साथ ही हम बनाएंगे तंदूरी चाय, ये देखिए कैसे उफन के ऊपर आ रही है आप देख सकते हैं। साथ में हम बनाएंगे मसाला चाय, तो फिर चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ मैंने एक कुल्हड़ लिया है और इसमें हम डालेंगे कॉफ़ी पाउडर 1 छोटा चम्मच। अब जिस बर्तन में कॉफ़ी सर्व करें उसमें आप कॉफ़ी पाउडर डाल दीजिए 1 टीस्पून। और अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन कर दी है मैंने और एक सॉस पैन रख दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कप मिल्क। कॉफ़ी में पानी नहीं डाला जाता है तो हमने मिल्क डाल दिया है 1 कप, और साथ में चीनी डाल दी है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। और मिल्क को बॉईल होने देंगे। जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, अपना जो मिट्टी का बर्तन है उसे हम गैस पर गर्म कर लेते हैं। तो चूल्हे पर हम ये गर्म करेंगे, ये मिट्टी का बर्तन है कुल्हड़, इसे पहले मैंने पानी से वॉश करके धूप में सुखा लिया था। अब इसे अच्छी तरीके से गर्म करेंगे, चारों तरफ से घुमा घुमा कर गर्म करेंगे। कुछ देर बाद आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा मिट्टी के बर्तन का, और इसे पलट देंगे, इसके अंदर से भी इसे गर्म करेंगे इस तरीके से। ये अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, इसे रख देते हैं एक बर्तन में और अपना मिल्क देख लेते हैं। तो हमारा मिल्क भी बॉयल हो गया है, इसे अब इसमें डालेंगे। तो आप देखिए बॉयल होकर ऊपर गिरेगा इस तरीके से, उफन के ऊपर आ रहा है। तो सारा मिल्क हम ऐसे ही डाल देंगे। यहाँ हम 1 कप कॉफ़ी बना रहे हैं, और अब क्या करेंगे, ये जो मिट्टी का कुल्हड़ है इसे हम बाहर निकाल लेंगे, इसका काम यहीं तक था, इसे कर देते हैं साइड में। और चलते हैं उस कुल्हड़ की तरफ जिसमें हमने कॉफ़ी पाउडर डाला था, इसमें डाल देंगे ये बॉइल्ड मिल्क, और ये हमारी स्मोकी कॉफ़ी या फिर तंदूरी कॉफ़ी बनकर तैयार है। वैसे तो तंदूर में गर्म किया जाता है मिट्टी के बर्तन को। और अब हम बनाएंगे तंदूरी चाय। इसके लिए सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और चाय का बर्तन रख देंगे, और इसमें हम डालेंगे पानी 1 कप। यहाँ मैं 2 कप चाय बना रहा हूँ तो मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, और इसे बॉईल होने देंगे। जैसे ये बॉईल होगा इसमें हम डाल देंगे अदरक, 1/2 इंच जितना अदरक था इसे मैंने कूट के डाल दिया है, और बॉईल होने देंगे। अब डालेंगे इसमें चाय की पत्ती 1/2 छोटा चम्मच, तो 1/2 टीस्पून मैंने ये चाय की पत्ती डाल दी है, और बॉईल होने देंगे। 2-3 उबाल आने के बाद इसमें हम डालेंगे चीनी, और चीनी है यहाँ पर ये 1 चम्मच, और फिर से 1-2 बॉईल ले लेंगे। अब डाल रहे हैं हम इसमें मिल्क, जो कि है 1 कप। 1 कप पानी 1 कप मिल्क हमने डाल दिया है, और दूसरे चूल्हे पर हम ये मिट्टी का बर्तन गर्म कर लेते हैं। जैसे हमने तंदूरी कॉफ़ी में मिट्टी के बर्तन को गर्म किया था चारों तरफ से, अंदर बाहर ऊपर नीचे घुमा घुमा कर, ऐसे ही गर्म कर लेंगे। इधर हमारी जो चाय है इसमें उबाल आ गए हैं, तो ये हमारी चाय बनकर तैयार है। गैस बंद कर दी है और चाय को हम छान लेंगे। उधर हमारा चूल्हे पर मिट्टी का बर्तन गर्म हो रहा है, इधर हमने चाय छान ली है। तो ये चाय तैयार है हमारी, और मिट्टी का बर्तन है उसे हम रख देंगे बर्तन में, अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे ये चाय, चाय उफन कर ऊपर आएगी इस तरीके से, बाकी बची हुई सारी चाय हम इसमें डाल देंगे। और ये जो मिट्टी का बर्तन है इसे हम बाहर निकाल देंगे। तो ये मिट्टी के बर्तन में जब हमने गर्म किया, उस गर्म की वजह से इसमें जो है ये उफन कर ऊपर आया। तो ये तैयार है, सर्विंग ग्लास में या सर्विंग कुल्हड़ में हम सर्व करेंगे। तो मैंने 2 कुल्हड़ में सर्व कर दिया है आप देख सकते हैं। तो ये हमारी तंदूरी चाय या फिर स्मोकी चाय बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। कुकीज़ के साथ खाइए, कुकीज़ खाइए चाय के साथ। और अब बनाते हैं मसाला चाय। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाय मसाला। तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले तैयार कर लिए हैं। 2 तेज़पत्ता हैं, दालचीनी है, बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग, सौंफ, काली मिर्ची और सौंठ। पैन रख दिया है मैंने, और ये सारे जो मसाले हैं हम इसमें डालेंगे। लो फ्लेम रखनी है, एकदम मंद आँच, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्की आँच पर हम इसे भूनेंगे। और भूनने के बाद अब क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे, और ठंडा होने के बाद हम इसे कूट लेंगे, पाउडर बना लेंगे। अब चाहो तो मिक्सी के जार में डालकर भी इसे बारीक पाउडर बना सकते हैं।
तो ये हमारा चाय मसाला तैयार है। वैसे तो मार्केट में चाय मसाला का पैकेट आता है, वो यूज़ में ले सकते हैं अगर आप ऐसे मसाला नहीं बनाना चाहते हैं तो। ये देखिए कुछ इलायची के रह गए हैं पत्ते या रेशे वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। अब चलते हैं मसाला चाय बनाने के लिए। तो पानी डाल दिया है मैंने 1 कप, पानी को बॉईल होने देंगे, अदरक डाल देंगे। अदरक के साथ जैसे अदरक बॉईल हो जाएगा हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती, तो 1.5 छोटा चम्मच मैंने चाय की पत्ती डाल दी और बॉईल ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क 1 कप, 1 कप पानी डाला, 1 कप मिल्क डाल दिया है, और डाल देंगे चीनी 1 चम्मच। और अब चाय को बॉईल होने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे चमचे से। और अब हम इसमें डाल देंगे वो मसाला 1/2 छोटा चम्मच जो हमने तैयार किया था बनाकर। 1/2 छोटा चम्मच हमने मसाला डाल दिया, चाय मसाला, और ये हमारी मसाला चाय 1-2 उबाल लेने के बाद तैयार हो जाएगी। तो ये मसाला चाय बनकर तैयार है। गैस कर देते हैं बंद और सर्व करने के लिए गिलास में या फिर कुल्हड़ में सर्व करेंगे, तो मैंने कुल्हड़ लिया है। तो मसाला चाय बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी तंदूरी चाय तैयार है, और हमारी तैयार है तंदूरी कॉफी।